देखो सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें, इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था यानी मार्बल चिप्स लिए थे। तो क्योंकि ये वीडियो में क्या दिखा दूँ, मार्बल चिप्स यूज हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं इसको। और इसमें मैंने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मैंने ऐड किया। उसके बाद मैंने इसका एक जो उसका होल है उसको फिल बंद कर दिया ताकि उसमें से गैस खाली ना हो। और जो दूसरा वाला स्पेस है उसमें मैंने ये डिलीवरी ट्यूब है और ये गैस जा रहा है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अच्छा, आप एक थोड़ा सा इस पर रिएक्शन बता दूँ। जब HCl रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो आपके अंदर रिएक्शन जो है ना इसमें अब रह गया HCl नहीं है, इसमें पानी रह गया, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उससे प्रोड्यूस हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो प्रॉपर्टी है ना उसमें शामिल है कि हमेशा वो यानी अगर उसके पास माचिस के लिए जलाई जाएगी तो वो बुझ जाएगा, ठीक है। माचिस के लिए जलाई जाएगी तो बुझ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये गैस जाल में ट्राई कर लेते हैं कि गैस जाल में वो गैस गई है या नहीं गई है। अगर ये बुझ गई और काला धुआं देखो बुझ गई, तो अगर ये बुझ जाएगा काला धुआं चला जाए तो मजा आना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। देखो अगर मैंने जलाइए इधर आओ कहीं बुझाओ इसको हमने निकल जाओ खुद ही बुझ रही है, बट ऐसी जल्दी पुष्टि नहीं है। तो ये इसका पहचान है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, ठीक है। उसको आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप चाहोगे तो मैं इसको डायरेक्टली करके भी दिखा देता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वही होती है जो हमारे ब्रेथ यानी कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसके जरिए भी होती है, ठीक है। ये आपके सामने है कि किस तरह से एक दफ़ा मैं दोबारा से करा दूँ ताकि माचिस की तीन अगर दाया होती तो खैर है। आप एक और देख रहे हो, आप इधर करीब करो, ठीक है। मैंने ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो चुकी है, हमारा प्रैक्टिकल का मकसद यही है कि हम किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी में शामिल है कि मैजेस्टिक डिस्टिंग्विश्ड हो जाती है और बुझ जाती है जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड के करीब लेकर जाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से माचिस की तीली बुझ जाती है। उसके अलावा आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो मार्बल चिप्स मैंने लिए थे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैंने उसमें ऐड किया था तो आफ्टर द रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड जो है वो उसमें बदल चुका था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई थी, जैसा कि हमने देखा कि माचिस की तीली बुझ गई थी और जो पानी है वो उस वॉल्फ बोतल में मौजूद था।